What are you doing? Nothing. क्या कर रही हो? अच्छा, चटनी के लिए? ठीक है, का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट और मैं निकली हूँ बाहर, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा धूप भी नहीं होती है और अच्छा भी लगता है बाहर निकलना। दिन को मैं नहीं निकलती हूँ, इस टाइम निकलती हूँ, इसलिए तो मेरी स्किन इतनी ब्राइट रहती है क्योंकि मैं धूप में नहीं निकलती हूँ ज़्यादा। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी निकलती हूँ कभी नहीं। ये जो पीछे पौधा है ना, ये पता है किसका है? मैंगो का। बट अभी इस साल से मैंगो नहीं निकले हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर निकलेंगे, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट ईयर निकलेंगे कि नहीं। अभी मैं चल रही हूँ अंदर क्योंकि मुझे बनाना है मटन। हमारे घर में वैसे नॉन वेज ज़्यादा बनता है, वेज उतना नहीं बनता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रोज़ मटन बनाते हैं। हमारे घर में नॉन वेज ज़्यादा बनता है, जो कि ज़्यादा नहीं बनना चाहे, ज़्यादा वेज बनना चाहे। आज हम बनाएंगे मटन कांति। अभी मैं और मेरी बहन ने लिया है मटन, तो इसको हम छोटे छोटे ट्यूब्स में कट करेंगे। मेरा हाथ नहीं काटना, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक मटन कांति कश्मीरी स्टाइल। अब इसको अच्छे से वॉश करना है। पहले हम लेंगे अब ऑयल, जिसमें हम कांति को करेंगे फ्राई। आई थिंक ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। बिस्मिल्लाह। अच्छे से फ्राई करना है। इसमें डालेगा थोड़ा सा नमक भी। अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई होगा फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। से ना कश्मीरी लुक भी आता है, जब इंसान फायर वायर लगाते हैं ना तो लगता है कि हम पूरे कश्मीरी है, कश्मीरी फीलिंग आती है, कश्मीरी लुक। मटन हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से, अब मैं बोलूँगी आगे क्या करना है। ये देखो, अब हम करेंगे इसमें ऐड प्याज। अब इसको प्याज के साथ भी थोड़ा फ्राई करना है ताकि हमारे प्याज भी फ्राई हो जाए। प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से स्पाइसेस। कोरिएंडर, अब डालेगी मिर्ची, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। स्पाइसेस जो है वो इसके साथ मिल जाने चाहिए अच्छे से, ताकि उनकी जो कच्ची स्मेल है वो भी चली जाए। हमारे घर में सबको तकड़ी वाली कांति पसंद है, मतलब ज़्यादा फ्राई होनी चाहिए और हार्ड भी। अब डालेगा थोड़ा सा पानी बस। हमारी कांति जो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, अभी मैं करती हूँ सर्व। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन तो खुद हो ना, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कैमरा फोकस करो। तेल इसमें ज़्यादा है, लेकिन इतनी जो है ना
इतनी रखेंगे भैया के लिए, ठीक है। डन, ये खाएंगे हम, आप, मैं, सफूरा, सफूरा, मैं, सुबीना, सीरत और मेरी मामा। करो वहां से दरवाजा बंद, करो टेस्ट। मैं करती हूँ पहले ये, इसको तो रिव्यू देने दो कैसा है। माशाल्लाह, कैसी बनी है? तुम तो मीट नहीं खाती थी। फ्रेंड्स, तो अभी है नेक्स्ट डे, और एक मिनट, तो अभी है नेक्स्ट डे और इस व्लॉग को करेंगे आज एंड। कल मैंने कांति बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा अभी तक, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी कांति की रेसिपी। होता नहीं कभी कभार कुछ चटपटा बनाने का मन करता है घर पे, तो वैसे ही मैंने ऐसी बना दी। तो इसके अलावा किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप लेफ़्ट हैंड से क्यों खाती हो, मैंने हज़ार बार बोला ये खाली आपको कैमरा में लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड व्लॉगिंग को लेके किसी ने कमेंट किया था, बट मुझे उसका नाम याद नहीं है, कि व्लॉगिंग नहीं छोड़ना, अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हस्बैंड ने मना किया तो छोड़ दो। ना मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया है, ना मुझे कोई फैमिली प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही अलाउ किया है, बड़ी मुश्किल से किया, बट किया। अब वो नहीं बोलते कि तुम छोड़ दो कुछ, ये मेरा खुद का डिसीजन है, ये मैंने खुद लिया है ये डिसीजन, सोच समझ के कि मैं छोड़ दूँगी। बट कंफर्म था, लेकिन जब से आप लोगों के कमेंट्स आने लगे ना कि दीदी नहीं छोड़ना, तो तब से अब सोच रही हूँ इस बारे में, पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे खुद भी नहीं पता है। बट एनीवेज, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह, आप लोग दुआ किया करें। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो उसका नाम तो मैं नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि नाम लेना गलत होगा अगर मैं उसका लूँगी। तो उसने यही बोला है कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं बट कहीं पे हो नहीं रहा है, तो आप लोग प्रे करें, तो प्लीज़ उसके लिए प्रे करें कि उसका रिश्ता जल्दी अच्छे से हो जाए, कहीं पे किसी अच्छी जगह नेक लड़का उसको मिले, अच्छी फैमिली उसको मिले। तो प्लीज़ आप सब उसके लिए बहुत सारी दुआएं करना। अल्लाह हाफिज़।